बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास, आज हम यूनिट नंबर जो 4 है, फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद, उसके क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आंसर जो हैं वो टोटल 8 आएंगे और आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 को अटैम्प्ट करना है, और हर एक जो क्वेश्चन आंसर है वो 2 नंबर का है। 2 × 5 ये 10 मार्क्स के आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। आपको 8 टोटल आएंगे और आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 को आपने अटैम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन आंसर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप, व्हाई? अगर खून का बहना बंद हो गया है तो आप इसका मुआयना ना करते रहें, क्यों? इसका आंसर है, वी शुड नॉट कीप चेकिंग द वाउंड इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम। वी शुड नॉट कीप चेकिंग द वाउंड, हमें जख्म को मुआयना नहीं करते रहना चाहिए। इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, अगर खून का बहना बंद हो गया है, बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि ये उस मुंजमद खून को नुकसान पहुँचा सकता है या उसे हटा सकता है। दैट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, जो बन रहा है और फिर से खून बहने की वजह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, Why is it necessary to keep away soap from the wound? Why is it necessary to keep away soap from the wound? साबुन को जख्म से दूर रखना क्यों ज़रूरी है, क्यों अहम है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, द सोप कैन इरीटेट द वाउंड, द सोप कैन इरीटेट, IRRITATE, इरीटेट द वाउंड, द सोप कैन इरीटेट द वाउंड। साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, सो इट शुड बी केप्ट अवे, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड, फ्रॉम द एक्चुअल ACTUAL एक्चुअल वाउंड। क्वेश्चन को दोबारा से स्टडी करते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड, साबुन को जख्म से दूर रखना क्यों जरूरी है? इसका आंसर है, द सोप कैन इरीटेट द वाउंड, साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, सो इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वाउंड, इसलिए इसको असल जख्म से दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और
ऑइंटमेंट, क्रीम और ऑइंटमेंट, गुड इन हीलिंग द वाउंड, हीलिंग द वाउंड। जरासम कश क्रीम या मरहम जख्म को मुंदमिल करने के लिए क्यों कर अच्छी है? इसका आंसर है एन एंटीबायोटिक क्रीम, एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट इज गुड इन हीलिंग द वाउंड, हीलिंग द वाउंड बिकॉज because it helps keep the surface moist and helps body's natural healing process Question number 3 है, how is an antibiotic cream or ointment good in healing the wound? जरासीम कश क्रीम या मरहम जख्म को मंदविल करने के लिए क्यों कर अच्छी है? एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज गुड इन हीलिंग द वाउंड। एक जरासीम कश क्रीम या मरहम जो है जख्म को मुंदमिल करने के लिए बड़ी मुफीद है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, क्योंकि वो जख्म के ऊपर के हिस्से को तर रखने में मदद देती है एंड हेल्प्स बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस फास्ट, और जिस्म के सेचअप करने के कुदरती अमल को तेज करने में मदद देती है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की दोबारा से रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, व्हाई? We should not keep checking the wound if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. Number 2 है, why is it necessary to keep away soap from the wound? The soap can irritate the wound, so it should be kept away from the actual wound. नंबर 3 है, हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वाउंड? इसका आंसर है एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट इज गुड इन हीलिंग द वाउंड बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप द सरफेस मॉइस्ट एंड हेल्प्स बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अब फर्स्ट एड जो लेसन नंबर 4 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करेंगे। यूनिट नंबर
फोर टेंथ क्लास इंग्लिश फर्स्ट एड। इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। What should you do if you are allergic to adhesive material used in most bandages? आपको चिपकने वाले materials जो कि अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है एलर्जी हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, इसका आंसर होगा आई शुड यूज एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग। Dressings or sterilize or sterilize gaze held in place with paper tape। पेपर टेप, गेज रोल, आर आ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट शुड यू डू इफ यू आर एलर्जिक टू एडहेसिव मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस। आपको चिपकने वाले मटेरियल से जो अक्सर पट्टियों में इस्तेमाल होता है
एलर्जी हो तो आपको क्या करना चाहिए? आई शुड यूज़ एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, मुझे ना चिमटने वाली पट्टी या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, और सेटेलाइट गेज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गेज रोल और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज। जालीदार पट्टी जो अपनी जगह पर कागज पट्टी के रोल या हल्की बांधी हुई लचकदार पट्टी से बंधी हो इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, व्हेन डू यू need to see a doctor, when do you need to see a doctor? आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब पड़ती है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव का, we need to see a doctor, comma, if the wound, is not healing, or we notice any redness, increasing pain, drainage, warmth, or swelling, क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब पड़ती है? वी नीड टू सी अ डॉक्टर, हमें एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर जख्म मुंदमिल ना हो रहा हो, और वी नोटिस्ड एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्म्थ और स्वेलिंग, या हम कोई सुर्खी, बढ़ती हुई दर्द, पानी का रिसना, तपिश या सूजन देखें, तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके क्वेश्चन नंबर फाइव तक कंप्लीट हो गए हैं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वन है सिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर फोर, इंग्लिश, 10th क्लास, लास्ट क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर सिक्स है, what should your first aid kit consist of? आंसर है इसका, आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए?
तो इसका आंसर है फर्स्ट एड किट शुड फर्स्ट एड किट शुड consist of should be consist of band-aids elastic band-aids bandages gaze and adhesive adhesive tape antiseptic swabs septic swabs and cotton wool cotton wool and clinical thermometer etc. Question number 6 hai, what should your first aid kit consist of? हमारी पहली जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किट है वो किस चीज किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए. फर्स्ट एड किट शुड बी कंसिस्ट ऑफ बैंडेज्स इलास्टिक बैंडेज्स गेज एंड एडहेसिव टेप एंटीसेप्टिक स्वाब्स एंड कॉटन वूल एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर एट्सेट्रा. इब्तदाई तिब्बी किट जो है इमदादी टेपों और लचकदार टेपों बारीक और जालीदार वाले की टेपों जरासीम कश और जरासीम कश रुई और इसके अलावा डॉक्टरी थर्मामीटर पर मुश्तमिल होनी चाहिए. दोबारा से इसको स्टडी करते हैं. व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ, आपकी इब्तदाई तिब्बी किट जो है किन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए. फर्स्ट एड किट शुड बी कंसिस्ट ऑफ बैंडेड्स elastic band-aids gauze and adhesive tape antiseptic swabs and cotton wool and clinical thermometer. बेटा ये आपका lesson number जो 4 है उसके question answer भी complete हो गए. अब हम इंशाल्लाह next lesson number 5 start करेंगे. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय comment करें. ऐसे ही मजीद videos के लिए हमारा channel subscribe करें और bell का icon दबाएं ताकि आपको हर video का notification मिलता रहे.